दोस्तों, दुनिया में लगभग 40% लोग इस घटना के शिकार होते हैं, जिसका नाम है निद्रा पक्षघात, मतलब स्लीप पैरालिसिस। अगर कभी हम नींद से जाग जाएं, लेकिन अपने शरीर को हिला डुला ना पाएं, ऐसी स्थिति में हम सब कुछ सुन रहे हैं, हमारी थोड़ी सी आंखें भी खुली हैं, हम धुंधलाहट के साथ देख भी पा रहे हैं, हमारा मस्तिष्क तो जाग गया है लेकिन हमारा शरीर नहीं जागा। हम कोशिश कर रहे हैं उठने की, अपने शरीर के अंगों को हिलाने की, पर कुछ नहीं कर पा रहे। क्या ये कोई बीमारी है या कोई अमानवीय शक्ति? हम सोचते हैं कि काश कोई आकर हमें हिला डुला दे, हमें झकझोर दे, पर सोते हुए को भला कौन डिस्टर्ब करता है? तो आज हम इस बीमारी का पर्दाफाश करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं हूं आर्यंस और आप हैं मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉकिंग टीवी पर। स्लीप पैरालिसिस की घटना अधिकतर तब होती है जब हम बाल्यावस्था में होते हैं या बाल्यावस्था से युवावस्था को प्रस्थान कर रहे होते हैं। ये घटना वयस्क युवाओं में बहुत कम होती है। कई बार सोते समय में ऐसा महसूस होता है कि कोई अमानवीय शक्ति हमारे ऊपर बैठ गई है और हमारे शरीर पर कब्जा करना चाहती है। काफ़ी लोगों का मानना है कि ये कोई राक्षस या परग्रही होते हैं। चीन के लोगों का कहना है कि ये कोई बीमारी नहीं है, वो इसे गुई मतलब प्रेत आत्मा का इंसानी शरीर पर काबू पाने की क्रिया कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई भयानक स्वप्न देख रहे होते हैं और डर से आपकी नींद टूट जाती है, परंतु आपका शरीर सोता रह जाता है। आप बहुत कोशिश करते हैं, पसीने से लथपथ हो जाते हैं, परंतु फिर भी आपका शरीर उठ नहीं पाता। कुछ समय पश्चात आपका शरीर सामान्य होकर उठ जाता है, लेकिन तब आप बहुत डरे हुए होते हैं। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को इस बारे में बताते हैं, लेकिन कोई भी आपकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। काफ़ी धर्मगुरुओं का मानना है कि इस घटना में जब हम सोते हुए होते हैं तो दूसरी भटकती आत्माएं, जिनका स्वयं का कोई शरीर नहीं होता, वे हमारे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी हमारी स्वयं की आत्मा उसका विरोध करने लगती है। ऐसी स्थिति में हम जाग तो जाते हैं, परंतु हमारी आत्मा के व्यस्त होने के कारण उसका पूरा प्रवाह हमारे शरीर में नहीं होता, जिस कारण हम उठने में असमर्थ होते हैं। इस घटना में दो बातें होती हैं। प्रथम, हमारी आत्मा दूसरी आत्मा से हार जाती है और उसे अपने ही शरीर में दूसरी आत्मा को भी स्थान देना होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों पर माताएं आती हैं, देवी आती हैं या जिन्न आते हैं। और दूसरी स्थिति में हमारी आत्मा उस दूसरी आत्मा को भगाने में सफल हो जाती है और पुनः शरीर में प्रवेश करके प्रवाहित होने लगती है और तब हम जाग जाते हैं। साइंस की माने तो ये सिर्फ एक साधारण सी बीमारी है, जिसके कई कारण हैं, जैसे नींद कम लेना या ज़रूरत से ज़्यादा लेना, अधिकतर एकांत में रहना, समाज में घट रही गलत घटनाओं के बारे में ज़्यादा सोचना, सोने का तरीका गलत होना या नशीली दवाइयों का सेवन करना इत्यादि। आपको इस बारे में क्या लगता है कि आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटित हुई है? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद मेरे दोस्तों।